हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि सिंध प्रोविंस के लिए अनाउंस हो चुका है 2023 एंड 2024 के लिए। इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, सारा कुछ तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को एक लाइक कर दें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, इससे हमें सपोर्ट मिलती है, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये इनका एडवर्टाइजमेंट है जो कि सिंधी लैंग्वेज में है, लेकिन मैं आपको उर्दू में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये 2023 एंड 2024 के लिए है, और वो सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो 2023 में दिया है और उनके एटलीस्ट 60% जो है वो मार्क्स आए हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है ये किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपने पास किया हो, ठीक है। और आपका जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना चाहिए, और यहाँ पर जो है वो आप करंटली किसी जो है वो इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हों या आप करंटली पढ़ रहे हों। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके जो पेरेंट्स की जो इनकम है वो 60,000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वो ग्रेड 1 से लेकर 4 की जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए ये जो इनकम का क्राइटेरिया है ये उनके लिए नहीं है, और ना ही जिनके पेरेंट्स शहीद हो चुके हैं उनके लिए है। और यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि ये सारा क्राइटेरिया जो है वो इसके अलावा ये 3-4 कैटेगरीज हैं, अगर इनमें से आप किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर पहली कैटेगरी ये है कि कोई ऑर्फन स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, और बाकी अगेन ग्रेड 1 से लेकर 4 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जी बाकी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो है वो डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स शहीद हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने जो है वो इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का CNIC भी इसके साथ अटैच करेंगे, और उनका जो है वो NTN नंबर भी इसके साथ अटैच करेंगे फॉर्म के साथ। और बाकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 19 अप्रैल है, तो आपके पास बहुत ही कम दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये जो है वो इनका वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा वेबसाइट है। ये है वेबसाइट, ठीक है। इसका लिंक जो है वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, SWEF.sindh.gov.pk, ठीक है। ये है इनका वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पर शो होगा अप्लाई ऑनलाइन पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड कॉलेजेस ओनली, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, और जी जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्कॉलरशिप, इस पर आपने क्लिक करना है, और ये जो सैम्पल है एफिडेटिव का इसको भी आपने जो है ना वो डाउनलोड करना है, ठीक है, ताकि ये जो है वो आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करें। ये जो है वो 50 रुपीज़ का जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर आपने प्रिंट करवाना है। जैसे हम यहाँ पर देखें ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये जो पहला सेक्शन है ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है। यहाँ पर जो है वो मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करूँगा, क्योंकि ये जो है वो यूट्यूब की कम्युनिटी के अगेंस्ट होती है चीज़ कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ये पार्ट मैं थोड़ा सा ब्लर करूँगा, आगे जो है वो आपको मैं क्लियरली शो करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाय द वे ये भी जो है वो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस चूज़ करना है सिंध, उसके बाद नीचे आपने अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और यहाँ से आपका CNIC नंबर, ठीक है, आपकी जेंडर क्या है, आपका डोमिसाइल कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ये आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, आपके पेरेंट्स का नाम, उनका CNIC नंबर, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी मंथली इनकम कितनी है, आपकी मदर का नाम, आपके मदर का CNIC नंबर, ठीक है, और पेरेंट्स या गार्डियंस का मोबाइल नंबर, ये पोस्टल एड्रेस है जिनमें आपने अपनी कंप्लीट एड्रेस बतानी है, उसके बाद आपका जो रेजिडेंस का डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, नीचे आपने ईमेल बतानी है, और लास्ट में आपने अपना जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, ठीक है। ये जो है वो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है जिसमें आपने पहले मैट्रिक की देनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना ग्रुप चूज़ करना है मैट्रिक का, कि साइंस था आर्ट्स है, तो यहाँ से जो भी आपका ग्रुप है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा है, रोल नंबर क्या है आपका,
टोटल मार्क्स क्या थी, आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, ये परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो आपने कौन से ग्रुप में पास किया है वो आप यहाँ से ग्रुप चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से आपने पासिंग ईयर बताना है, रोल नंबर आपका क्या है, टोटल मार्क्स आपकी क्या है और यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स आपकी क्या है। उसके बाद ये जो है वो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वो ये डिटेल जो है ना वो आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशन की है, यानी कि अगर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप मैट्रिक की देंगे, अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम और इंस्टीट्यूट टाइप यानी कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ठीक है। उसके बाद उनकी कंप्लीट एड्रेस और उनका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। ये जो डिटेल है सेक्शन बी की, ये आपकी करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डिटेल है जहाँ पर अभी आप जो है वो करंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने इदारे का जो है वो कंप्लीट आप नाम बताएंगे और उनकी एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट उनका कौन सा है, यहाँ पर जो है वो आपके नेम ऑफ दी हेड या हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट आपका कौन सा है उनका नाम आप बताएंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, या उनका जो है वो हेड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट का PTCL नंबर, उनका मोबाइल नंबर अगर है तो वो आप मोबाइल नंबर देंगे। और यहाँ से जो है वो डिग्री या कोर्स आपने बताना है जिसमें आप करंटली जो है वो इनरोल्ड हैं। उसके बाद अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बैंक अकाउंट टाइटल बताएंगे और उनका नेशनल टैक्स नंबर NTN वहाँ से आप पूछ के यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ से आपने अपनी ड्यूरेशन ऑफ डिग्री या कोर्स बताना है कि कितनी ईयर्स की है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो मंथ बताएंगे, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर हम कहते हैं वो बताएंगे। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वह डिग्री की वो क्या है और एक्सपेक्टेड डेट क्या है ग्रेजुएशन की वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो है वो आपकी करंटली जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर हॉस्टल प्रोवाइड की गई है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है। और अगर आप करंटली कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है। और नीचे आप ये तीन चार कैटेगरीज हैं, अगर इनमें से आप आते हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपने प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक करना है, ठीक है। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो दोबारा एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट करें, अदरवाइज फॉर्म को सबमिट करें, ठीक है। उसके बाद ये एफिडेटिव जो है ना ये आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली ये जो है वो 50 रुपीज़ का जो स्टाम्प पेपर है उस पर आप प्रिंट करवा के इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे के फॉर्म को सबमिट करवाएंगे अपने इंस्टीट्यूट के पास, ठीक है। ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकेकार पंजाब एंडोमेंट फंड में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।